मैं ज्योति जोशी आज आपको अपैरल डिज़ाइनिंग कोर्स के अंतर्गत फ्लैट पैटर्न चैप्टर के बारे में बताऊंगी, जिसके अंतर्गत हम फ्लैट पैटर्न की कौन कौन सी तकनीक हैं या विधियां हैं जिसके द्वारा हम पैटर्न में परिवर्तन कर सकते हैं, और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, मीन सिद्धांत हैं, जिनका प्रयोग करके हम पैटर्न को अपने डिज़ाइन और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जब फ्लैट पैटर्न की बात करते हैं, फ्लैट पैटर्न है क्या? जैसे हम जानते हैं कि गारमेंट्स को बनाने के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले है ड्राफ्टिंग, दूसरा है फ्लैट पैटर्न जिसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे, तीसरा है ड्रेपिंग। ड्राफ्टिंग में हम पर्टिकुलर बॉडी मेजरमेंट लेके पर्टिकुलर गारमेंट का ड्राफ्टिंग करते हैं, और फ्लैट पैटर्न मेथड में हमारे पास दो तरह की विधियां हैं जिसके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर साइज का पैटर्न तैयार करते हैं और जिसके द्वारा फिर हम गारमेंट स्टिच करते हैं। और ड्रेपिंग भी गारमेंट बनाने की विधि है जिसमें कि हम 3D स्ट्रक्चर मीन्स ड्रेस फॉर्म में कोई भी गारमेंट को, कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल को ड्रेप करते हैं और उसके बाद हम गारमेंट का पैटर्न बनाते हैं, फिर हम गारमेंट को स्टिच करते हैं। ड्रेपिंग की विधि से हमको ये फायदा है कि इससे हमें उसका कैसा दिखेगा गारमेंट हमें वो पता चल जाता है, जबकि ड्राफ्टिंग और फ्लैट पैटर्न में सबसे पहले हमको पैटर्न बनाना है, उसको फिर हम स्टिच करेंगे, उसके बाद हमें पता चलता है कि स्टिचिंग के बाद कि गारमेंट कैसा है, उसकी फिटिंग कैसी आ रही है। तो अब हम आते हैं फ्लैट पैटर्न। जब फ्लैट पैटर्न की बात करते हैं, फ्लैट पैटर्न बनाने की हमारे पास दो विधियां हैं, मीन्स टू टेक्निक्स और मेथड्स, जिसमें पहला है हमारा कट या स्लैश स्प्रेड मेथड, जिसको हम कट और प्रसार मेथड भी बोलते हैं। दूसरा हमारा है पाइवट मेथड, जिसको हम धुरी विधि बोलते हैं। ये जो मेथड है, इन दो मेथड के द्वारा हम फ्लैट पैटर्न को प्रिपेयर करते हैं। फ्लैट पैटर्न में क्या है कि हमारा एक पर्टिकुलर साइज का ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पैटर्न होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट साइजिंग सिस्टम है, जैसे किसी साइजिंग सिस्टम में हमारा ए बी सी लिखा रहता है, किसी में से 30 साइज है, 32 साइज है, 40 साइज है, तो इस पर्टिकुलर साइज के हमारे पास पैटर्न होंगे और जिस साइज का हमें बनाना है या जो पर्टिकुलर डिजाइन बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो उस पैटर्न में जो हमारा बेसिक पैटर्न है उसमें जो हमको चेंज करना है वो हम कट या स्लैश विधि, जिसको हम कट और प्रसार विधि भी बोलते हैं, प्रसार विधि या पाइपेट मेथड, जिसको मैंने बोला धुरी विधि, विधि के द्वारा परिवर्तन करके हम अपनी जो हमें पर्टिकुलर डिजाइन बनानी है गारमेंट में वो हम बना सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं फ्लैट पैटर्न, फ्लैट पैटर्न के हमारे पास ऑलरेडी मूल पैटर्न्स होते हैं, मींस बेसिक पैटर्न्स। तो मूल पैटर्न क्या है? मूल पैटर्न हमारे पास पांच तरह के होते हैं, जिसमें हमारा है पहला सेंटर फ्रंट, ठीक है, सेंटर फ्रंट है जिसमें क्या है हमारा जो बॉडीज का आगे का पोर्शन है, तो वो क्या है हमारा, ये हमारा सेंटर फ्रंट है। जब हम सेंटर फ्रंट की बात करें, सेंटर फ्रंट में हमारे पास दो डांट होती है, जिसमें है कि साइड डांट और वेस्ट डांट। जब जैसे कि हम ब्लाउज की बात करते हैं, उसमें हमारी क्या होती है, साइड डांट भी होती है, वेस्ट डांट भी होती है, उसमें हमारी बस्ट डांट भी होती है। तो ये हमारा सेंटर फ्रंट हो गया बेसिक पैटर्न में। दूसरा हमारा होता है सेंटर बैक, जिसमें कि हमारी वेस्ट डांट और शोल्डर डांट होती है, और इस पोर्शन को हम दिखाते हैं सेंटर बैक इस तरह से लिख के। ये जो सेंटर फ्रंट सेंटर बैक है, जिसमें हमारे फ्रंट बॉडीज के टू पीस होंगे, तो इनके दो पीस हो जाएंगे। अगर वैसे बैक के दो पीस हो जाएंगे तो हमारे बैक से ओपनिंग है। अगर हमारा गारमेंट है जिसमें कि हमारी फ्रंट ओपनिंग नहीं है, तो उसमें ये हमारा ऑन फोल्ड होगा, मीन्स इसको हम ऐसे ही रखेंगे और हमारा कपड़ा फोल्डिंग के पोर्शन में होगा, जिसको मैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगी कैसे रखते हैं और कैसे करते हैं, अभी मैं आपको थ्योरी का बेस बता रही हूँ आपको। तीसरा होता है हमारा स्कर्ट बैक, और चौथा होता है स्कर्ट फ्रंट, पांचवा है स्लीव।
जब हम बात कर रहे हैं कि इसे सेंटर फ्रंट सेंटर बैक, वैसे ही हमारे स्कर्ट का होता है। स्कर्ट में क्या होता है, हमारा जो सेंटर फ्रंट वाला पोर्शन है वो हमारा स्ट्रेट होगा क्योंकि वो हमारा ऑनलाइन ऑनफोल्ड कटेगा, और जो दूसरा हमारा है साइड वाला पोर्शन वो यहाँ पे स्लाइड कर्व होगा और स्ट्रेट होगा। और जो हमारी फ्रंट होता है, फ्रंट वाले में हमारी जो डांट्स है उनकी डेप्थ कम होती है। स्कर्ट का है ये हमारा, वैसे ही हमारा स्कर्ट का बैक का आएगा। इसमें हमारे वेस्ट डार्ट जो होंगी उनकी डेप्थ अधिक होगी। वैसे ही हमारा स्लीव होती है, स्लीव की डाफ्टिंग, स्लीव में हमारा जो फ्रंट पोर्शन होता है वो गहरा होता है एज कंपेयर टू बैक पोर्शन। और इसमें अगर हमारा फुल स्लीव है तो हमारी नियर टू रिस्ट हमारी डांट होती है, अगर ये हाफ स्लीव है तो हमारी उसमें एल्बो में डांट होगी। ये हमारी स्लीव हो गई, ये इसका फ्रंट है और ये हमारा बैक है। क्योंकि हम जब हाथ उठाते हैं या नीचे करते हैं तो हमारे इस पोर्शन में, बैक पोर्शन में स्ट्रेस ज्यादा होता है, इसलिए हमारे पोर्शन में कर्व कम होता है एज कंपेयर टू द फ्रंट। तो ये हमारे क्या है, बेसिक मूल पैटर्न है जो कि हमारे पर्टिकुलर सेंटर साइज के साथ हमें मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। या कोई भी गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें सेंटर साइज के ये पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू डिजाइन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो पर्टिकुलर साइज का पैटर्न यूज किया जाता है और उसमें चेंज किए जाते हैं। तो इन पैटर्न्स में चेंज करने के लिए हम कट और स्लैश स्प्रेड या स्प्रेड मेथड का यूज करते हैं, जिसको कट और प्रसार विधि बोलते हैं, या पाइवट मेथड का यूज करते हैं जिसे हम दूरी विधि बोलते हैं। इन मेथड को यूज करके हम पैटर्न में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चेंज करने का मेथड है वो टोटली प्रैक्टिकल है, जिसको मैं प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगी नेक्स्ट उसमें। लेकिन जनरल बताती हूँ कि कट और स्लैश और या स्प्रेड मेथड में क्या है हमारा। इस मेथड में हम जो पर्टिकुलर, जैसे सपोज ये हमारा बेसिक सेंटर फ्रंट है, इसको लेके चलते हैं, तो हम इसमें क्या करना है, कोई चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डांट्स में कट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू उसको हमको कम करना है अधिक करना है, फिर हम उसको कट लगा के चेंज करेंगे। जो दूरी विधि होती है, जो पाइवट मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं, जो हमारा ये बस्ट पॉइंट होता है, इस बस्ट पॉइंट को लेके हम उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस इन दोनों विधि को जब भी हम यूज करेंगे तो हमारे कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, वो फ्लैट पैटर्न के सिद्धांत हैं जो उनका अभी हम बातचीत करेंगे, जिसमें कि हमारा सबसे पहले आता है डार्ट मैनिपुलेशन, जिसको बोलते हैं डार्ट हेर फेर का सिद्धांत, फ्लैट पैटर्न के सिद्धांत प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें पहला आता हमारा डार्ट मैनिपुलेशन। दूसरा आता है एडिट फुलनेस। तीसरा आता है हमारा कंटूरिंग, जिसे समोच्चिका सिद्धांत बोलते हैं, और ये परिपूर्णता का सिद्धांत है। तो डांट मैनिपुलेशन में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेसिक बॉडीज में हमारी दो डांट होती है, फ्रंट वाले में जिसमें वेस्ट डांट है हमारी और दूसरी साइड डांट है, वैसे ही हमारा बैक पोर्शन में क्या है, वेस्ट डांट है। लेकिन क्या है, जो हमारी डिजाइन होती है, हमारी डांट्स जो है वो अलग अलग पोजिशन में शिफ्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिजाइन और अकॉर्डिंग टू आर बॉडी फिटनेस। तो इन डांट्स को हम अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने बोला कि वेस्ट डांट है, अगर वेस्ट डांट को मुझे सेंटर फ्रंट में लाना है या शोल्डर में लेके जाना है, या इन दोनों डांट्स को मुझे कंबाइन करना है अकॉर्डिंग टू आर डिजाइन, मीन्स कि जो वेस्ट डांट है और जो हमारी साइड डांट है, साइड डांट हमारी वेस्ट डांट में कंबाइंड हो जाए, तो इसको हम कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, डांट मैनिपुलेशन का सिद्धांत को यूज करेंगे। हम ऐसे नहीं कि अपने मन से इसको बढ़ा देंगे या घटा देंगे, तो इसको चेंज करने के लिए हम डांट मैनिपुलेशन का सिद्धांत को यूज करेंगे। और जो इसमें क्या है, जो हमारी वेस्ट डांट, साइड डांट जो वेस्ट डांट में हमारी ऐड हो जाएगी, उसकी मतलब कि जो हम बोलते हैं डांट एक्सेस, ये जो डांट्स है, डांट्स की ज्यादा पोर्शन दो लेग्स, इनको टू लेग्स बोलते हैं, जो इसकी फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों की स्पेस को क्या बोलते हैं, डांट एक्सेस। ये हमारे क्या है, डांट लेग्स, ये दोनों को बोलते हैं डांट का डांट लेग्स, और ये हमारा है डार्ट एक्सिस। तो क्या होगा कि जब हम कंबाइन करेंगे तो दोनों
डांस का जो डांट एक्सेस है मींस जो स्पेस है वो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे. सपोज अगर ये 1 सेंटीमीटर है ये 1/2 सेंटीमीटर है तो ये दोनों मिलके हमारा यहाँ पे जो डांट कंबाइंड होगी वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी. एक एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ. और इसको कैसे करेंगे प्रैक्टिकल वर्क है उसको मैं नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगी. तो ये हमारे के डांट मैनिपुलेशन मींस हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर डांट को सपोज जब ये कंबाइंड होगी तो वेस्ट डांट को मुझे अगर शोल्डर में शिफ्ट करना है तो मैं उसको शोल्डर में शिफ्ट कर सकती हूँ चाहे पाइवेट मेथड से चाहे कट एंड स्लैश मेथड से. दोनों की प्रोसेस अलग अलग है. फिर दूसरा प्रिंसिपल आता है एडिट फुलनेस. एडिट फुलनेस क्या है जिसे परिपूर्णता का सिद्धांत बोलते हैं. इसमें क्या है कि आपका सपोज कोई गारमेंट है मान लीजिए बॉडीज फ्रंट है. अब मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे नीचे की साइड चुन्नटे देनी है जिसको हम गैदर्स बोलते हैं. तो इसमें मैं क्या करूंगी इसमें यहां कट लगाऊंगी और उसको स्प्रेड कर दूंगी इस पोर्शन दोनों पोर्शन को और इसमें मैं चुन्नटे दे दूंगी. तो जो फुलनेस है फुलनेस हमारे परिपूर्णता हम 3-4 मेथड से देते हैं जिसमें हमारा पहले आता है डांट गैदर्स जिसको हम चुन्नटे बोलते हैं या प्लीट्स जो हमारे स्कूल की ड्रेसेस में देखा होगा स्कर्ट्स में होता है प्लीट्स. प्लीट्स के थ्रू मैं इसमें फुलनेस दे सकती हूँ. तो मैंने बोला कि यहाँ पे डांट है मैं डांट को चेंज करी हूँ गैदर्स में. तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे कट लगाऊंगी और इसको बीच में से कट लगा के इसको स्प्रेड कर दूंगी. यहां से काटा बीच वाले पोर्शन को मैं निकाल दूंगी यहां से बाहर और फिर इसको फैला दूंगी. फैलाने के बाद जो एरिया आएगा उससे एक नया हमारा पैटर्न बन जाएगा. इसमें से कट कर दूंगी और ये फैल जाएगा और उसके बाद इस पोर्शन में मैं चुन्नट दे दूंगी. एक सिंपल एग्जांपल है जैसे एडिट फुलनेस में मैंने बोला गैदर्स. तो एडिट फुलनेस के 3 मेथड हैं. एक तो है आपका 1-साइडेड. जब एडिट फुलनेस की बात कर रहे हैं इसमें हमारे 3 मेथड्स हैं. एक है 1-साइडेड बोथ साइडेड और अनइवन. इसका सबसे इजी एग्जांपल क्या है आप लीजिए पफ स्लीव. जब हम स्लीव की बात करते हैं तो पफ स्लीव में क्या है मान लो एक सिंपल बता दी स्ट्रक्चर ये है स्लीव का. मान लीजिए अगर मैं स्लीव में दोनों साइड गैदर्स दे रही हूं इक्वल है ये जो गैदर्स हैं ये बराबर है दोनों साइड तो ये हमारा क्या है इवन साइडेड फुलनेस. अगर मैंने गैदर्स जो हमारी ऐसे गैदर्स होती है खाली पफ स्लीव में ऊपर की साइड है तो हम उसको बोलते हैं 1-साइडेड. हो गई इसमें खाली ऊपर की साइड मैंने गैदर्स दिए हैं ऊपर की साइड को ही गैदर्स हैं और नीचे की साइड गैदर्स नहीं है तो ये हमारा 1-साइडेड हो गया. ये हमारा इवन साइड ये हो गया इवन है और बोथ साइडेड है इवन करा है. अनइवन में क्या है सपोज कि मेरा स्लीव है स्लीव में मैंने क्या करा ऊपर भी देना है मुझे और नीचे भी देना है स्लीव है सपोज और मुझे इस साइड भी चाहिए इस साइड भी चाहिए लेकिन यहाँ पे मुझे गैदर्स कम चाहिए और की साइड गैदर्स अधिक चाहिए. तो मैं क्या करूंगी कि मैंने स्लीव को पहले यहाँ पे इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया ऐसे और यहाँ पे क्या करूंगी मैं इसको यहाँ पे कम करूंगी और यहाँ की साइड अधिक स्प्रेड कर दूंगी. तो यहाँ पे हमारा जो स्प्रेड है प्रसार जो से बोलेंगे कट तो कर दिया हमने यहाँ से ये पोर्शन हमारे कटिंग पॉइंट्स हो गए और उसके बाद हम उसको फैला दिया. तो फैलाने वाले पोर्शंस में हमारा ये पोर्शन जो है नीचे की साइड अधिक है और ऊपर की साइड यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे कम है. ये पफ स्लीव का एग्जाम्पल बता रही हूँ. ऊपर भी पफ आएगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारे कम होंगे गैदर्स और यहाँ पे अधिक होंगे. तो ये हमारे एडिट फुलनेस का क्या है अनइवन वाला एग्जाम्पल है. तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो पैटर्न बनाने की 2 विधियां हैं जिसमें है कि पाइवेट मेथड और हम दूसरा मेथड है हमारा कट एंड स्प्रेड मेथड या स्लैश एंड स्प्रेड मेथड. और जब इन दोनों विधियों को यूज करेंगे या किसी एक विधि को यूज करते हैं तो कोई भी गारमेंट में डिजाइन फीचर को ऐड करने के लिए हमको इन 3 प्रिंसिपल में से कोई ना कोई प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा तब हमारा गारमेंट प्रॉपरली बनेगा. जिसमें है डार्ट मैनिपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिजाइन वी कैन यूज द डार्ट मैनिपुलेशन. अकॉर्डिंग टू डिजाइन वी कैन यूज द एडिट फुलनेस. एडिट फुलनेस के मैंने एग्जांपल बताए. अब आते हैं कंटूरिंग. कंटूरिंग का मतलब क्या है कि जो हमारे गारमेंट है वो हमारी उस जो पर्टिकुलर गारमेंट है उस स्ट्रक्चर के बेस पे ही
जो हमारा गारमेंट का मतलब इन द सेंस पैटर्न है, और ये हमारा जो गारमेंट है उस गारमेंट का जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो हमको वही डिजाइन चाहिए लेकिन हमारे साइज में चेंज चाहिए, तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर पैटर्न में उस साइज को अंदर की साइड हम कम करेंगे और जो उसकी लाइनिंग है दैट शुड बी इन अ प्रॉपर वे, तो वो हमारा कंटूरिंग कहलाएगा। जैसे सपोज एक सिंपल बता रही हूँ, एक हमारा फ्रंट पैटर्न है, इसका ये पर्टिकुलर साइज है, ये हमारा बेसिक पैटर्न है। अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं क्या करूंगी, और मुझे इसको हाफ हाफ इंच कम करना है, मीन्स जो मेरा साइज है सपोज ये 30 साइज का पैटर्न है तो, और मुझे इसको लेके आना है 28 साइज में, तो 28 साइज में मींस क्या होगा कि हमारा एक पर्टिकुलर जो पैटर्न होता है इसमें 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, मींस 1 इंच का, तो मैं क्या करूंगी 1-1 इंच का इसमें मार्किंग करूंगी और उसके अकॉर्डिंग में इसकी कंटूरिंग करूंगी, मीन इसकी पर्टिकुलर लाइनिंग उसी शेप में होनी चाहिए उस पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग। जैसे अभी आगे आप लोग साइजिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि क्या चीज कैसे साइज सिस्टम है, मींस इतना तो सभी जानते हैं कि जब कोई गारमेंट परचेज करते हैं पर्टिकुलर साइज होते हैं, तो हम जब गारमेंट इंडस्ट्री होती है तो इस पर्टिकुलर साइज के हमारे पास पैटर्न्स बने होते हैं, फिर जो हमें साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम और अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं, तो ये हमारा क्या है कंटूरिंग, मींस कि एक पर्टिकुलर साइज में का जो हमारे पास पैटर्न अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज करेंगे, और वो चेंज विद इन अ लिमिट्स होना चाहिए, और उसको अंदर की साइड या बाहर की साइड मींस अकॉर्डिंग टू साइज वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द पर्टिकुलर साइज एंड वी आर मेंटेनिंग द कंटूर ऑफ द पर्टिकुलर पैटर्न। तो ये है हमारा फ्लैट पैटर्न के बारे में कि फ्लैट पैटर्न का हम यूज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, और इन प्रिंसिपल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आप जिसको प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जिसका अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी कैसे इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल को यूज करके हम पैटर्न में चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप YouTube के जरिए भी जुड़ सकते हैं। वीडियो रूप में स्टडी मटेरियल और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सबसे पहले जानने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के YouTube चैनल UOU Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।